वेलकम टू ऑलमोस्ट टेक। सो गाइस, आज की स्टूडियो में बात करेंगे रियलमी नार्जो 30 जो डिवाइस है, इस डिवाइस के लिए यार काफी ज्यादा यूजर्स वेट कर रहे थे कि हमारे डिवाइस में एंड्रॉइड 12 और रियलमी वाई 3.0 का सेकंड बैच बीटा फॉर्म को कब तक लाइव किया जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली लाइव कर दिया गया है रियलमी की ओर से। इस फॉर्म को आपको अपने डिवाइस में किस प्रकार से अप्लाई करना होगा, यहाँ पर आपके डिवाइस में अगर फॉर्म देखने को मिला है या नहीं, अगर नहीं मिला है तो आपको आपके डिवाइस में किस प्रकार से फॉर्म देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपके डिवाइस में इस फॉर्म को अप्लाई करोगे तो आपको आपके डिवाइस में अपडेट कब तक देखने को मिल जाएगा जो कि Realme UI 3.0 बीटा अपडेट होगा। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा ताकि दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं Realme Narzo 30 डिवाइस के Android 12 और Realme 3.0 सेकंड बैच बेटा अर्ली एक्सेस बीटा फॉर्म के बारे में। तो आपको आपके डिवाइस की सेटिंग सॉफ्टवेयर में जाना है, वहाँ पर आपको आपके डिवाइस को लेटेस्ट अपडेट में अपडेट करके रखना होगा, तभी आपके डिवाइस में Realme 3.0 का अर्ली एक्सेस बीटा फॉर्म देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं यार इस फॉर्म को किस प्रकार से अप्लाई करना होगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप अपने डिवाइस में कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करते हैं तो आप इस अपडेट को मिस कर दीजिएगा, आप ऑफिशियल अपडेट का वेट कर लीजिएगा, क्योंकि इस बीटा अपडेट के साथ में आपके डिवाइस में हीटिंग इश्यूज, नेटवर्क इश्यूज, बैटरी ड्रेन इश्यूज, लैगिंग इश्यूज, यहाँ पर और भी कई सारे प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, उन यूजर्स के बारे में बात करके जिन्होंने उसको अपने डिवाइस में रियलमी 3.0 का अर्ली एक्सेस बीटा फॉर्म को अप्लाई करना है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। आपको आपके डिवाइस की सेटिंग सॉफ्टवेयर में जाना है, वहाँ पर राइट टॉप कॉर्नर पर सेटिंग का आइकन क्लिक करना है, वहाँ पर आपको ट्रायल वर्जन शो हो जाएगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पर अर्ली एक्सेस शो होगा या फिर बीटा शो होगा। उस अर्ली एक्सेस पर आप क्लिक करोगे तो आपके डिवाइस में आपको एक फॉर्म देखने को मिलेगा, नीचे आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है, फिर वहाँ पर आपको एक फॉर्म देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर से उस फॉर्म को सबमिट करना होगा। ध्यान रखना है आपको जियो का नंबर नहीं डालना है, बाकी आप कोई सा भी फोन नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पर आपका फॉर्म फिर एप्लीकेशन सबमिटेड हो जाएगा, फिर आपका फॉर्म अंडर रिव्यू में चले जाएगा। अंडर रिव्यू में जाने के बाद आपका फॉर्म अप्रूव या फिर पास्ड होगा, जो कि एक या दो दिन के अंदर अंदर ही हो जाता है, आजकल तो यहाँ पर एक ही दिन के अंदर हो जाता है। फिर आपके डिवाइस में Realme 3.0 का बीटा अपडेट देखने को मिलेगा। उस बीटा अपडेट को इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके डिवाइस में आपका इंपॉर्टेंट डेटा है जैसा ऑडियोस वीडियोस फाइल्स, तो उसको आपको कॉपी कर लेना है। अगर अपडेट के साथ में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो आपका डेटा भी क्लियर हो सकता है, वैसे डेटा क्लियर नहीं होता है बट मेरा बताने का काम है। फिर डिवाइस के 460% प्लस होना चाहिए, डिवाइस की इंटरनल स्टोरेज 10GB की फ्री स्पेस होना चाहिए, तभी आप अपने डिवाइस में Realme 3.0 का बीटा को इंस्टॉल करिएगा। तो यार इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन हो जाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर।